यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और साथ ही आज देश का आम बजट पेश हो चुका है और मोदी सरकार के बजट की अगर बात करें तो आखिरी पूर्ण बजट है। और साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पांचवी बार आज संसद में बजट पेश किया है। इस बार के बजट को लेकर हर तरह की राय जो है, प्रतिक्रियाएं जो है, वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है ये हम जानेंगे। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि देश की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीए पुष्पेंद्र कुमार दुग्गल जी, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही सीए राजकुमार गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे उनकी नजर में किस तरह का ये बजट जो है उन्हें नजर आता है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले आपसे बात करते हुए कि मोदी तो कहते हैं, पीएम मोदी कहते हैं कि देश की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो कहा था कि सपनों का बजट होगा, आपको कैसा नजर आया है? जी, मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल जो मोदी जी ने कहा था सेम बजट है। अगर देखा जाए तो इस बजट में मेन जो स्ट्रेस दिया गया है वो मेन एग्रीकल्चर के ऊपर दिया गया है, और जो हमारे निचली श्रेणी के जो लोग हैं, पुअर पीपल जो हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। इसमें देखा जाए तो बहुत सारी स्कीम्स जो अभी 2022 का इनकम मोदी जी का वो था कि हमने जो किसानों की जो इनकम उसको डबल करना है, तो उसके ऊपर देखो आप स्टेप टूवर्ड्स दैट उन्होंने किया है। उसमें जो किसान हैं हमारे, जो उनकी जो प्रोड्यूस है उसको उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है, विच विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की मंदी भी है तो उस केस में भी जो है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिलेगा। इससे एक तो फायदा ये होगा कि किसानों की आय जो है वो बढ़ेगी। सेकेंडली, जो क्रॉप्स उनको कैश रिच लगेंगे, किसान उसकी तरफ भी अपने आप को डाइवर्ट करेंगे। खरीफ की फसलें हैं, उसमें ये साफ भी हो जाएगा कि कितना सरकार ने जो बातें कही है बजट के माध्यम से वो पूरी होती है या नहीं होती। हाँ, बिल्कुल जी, इससे साफ हो जाएगा। हमारे साथ सीए राजकुमार गुप्ता जी भी मौजूद हैं। सर, जैसे दुग्गल जी ने बताया कि ये जो है किसानों के लिए बजट था, गरीबों के लिए बजट था, लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग जो है उस वो कहीं ना कहीं नाखुश सा नजर आया। मध्यम वर्ग वैसे नाखुश होने की कोई बात नहीं है। एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने सैलरीड एम्प्लॉय को, 40,000 की जो इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लेके आए हैं। आज की डेट में क्या होता था, एक सैलरीड एम्प्लॉय ही था जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था, तो उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, क्योंकि जो नीचे वर्ग का सैलरी वर्ग है एम्प्लॉय, उसको कोई और बेनिफिट नहीं मिलता था, वो ज्यादा सेविंग भी नहीं कर सकता था, तो उसको एक ब्लैंक 40,000 का जो बेनिफिट मिलेगा वो उसको काफी रिलीफ देगा टैक्स में। देखिए, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को लेके जो उम्मीदें जो थी जनता की, उसको लेके कहीं ना कहीं एक झटका सा उन्हें लग रहा है। वो एक ना टेंडेंसी बन गई है कि इनकम टैक्स स्लैब कम होना चाहिए तो बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब से आप इमीडिएटली वो कैलकुलेट कर सकते हो, बट अदरवाइज स्कीम्स के साथ जो प्रो पुअर स्कीम्स दी हैं उनसे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कहीं ज्यादा होंगे इनकम टैक्स की सबसे एक स्लैब कम करने से। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं देख सकते इसको दुग्गल जी, ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि अब 19 के चुनाव पास में हैं और साथ ही 8 राज्यों में चुनाव भी है, तो अब जाकर गरीबों की, किसानों की याद आई है सरकार को? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। हर जो काम है वो फेज्ड मैनर में होता है, जो मेरे को लगता है कि अब जो शुरू से गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार का जो मेन स्ट्रेस रहा है दैट इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। अब जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री में जो गरीबी है या उसके स्तर है वो जो डाउन होते जाएंगे ऑटोमेटिकली है। हाँ, किसानों के लिए इस बार थोड़ा सा उन्होंने स्पेशल स्टेप जरूर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से, बट इसको मैं चुनावी बजट तो नहीं कह सकता। अगर चुनावी बजट कहना होता तो जैसे अभी राज जी ने कहा या आपने क्वेश्चन किया कि स्लैब्स में डिफरेंस, तो शायद वो स्लैब्स में डिफरेंस आता तो उससे क्या लोगों को वो दिखाई देता है। हालांकि हमारी सोच में ये है कि स्लैब्स के डिफरेंस जो है वो इमटेरियल होता है बजट के लिए, तो अगर ये चुनावी बजट होता तो स्लैब में डिफरेंस जरूर आता। चलिए, चुनावी बजट तो नहीं है क्योंकि स्लैब्स में डिफरेंस नहीं किया, ये जो है मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए अक्सर ऐसा जो है करने की कोशिश सरकार जो है वो करती आई है। अब इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि किस वर्ग को लुभाने की कोशिश की, अब देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द कंट्री के लिए बजट कह सकते हैं। अगर आप देखो बिजनेस क्लास के लिए सिर्फ जो कंपनीज हैं, कंपनीज का रेट ऑफ टैक्स जो है वो उन्होंने कम किया है 30-25% किया है, ठीक है, बट अदरवाइज अगर देखेंगे आप तो जो कैपिटल गेन्स है ऑन इक्विटी मार्केट उसके ऊपर 10% टैक्स लगाया भी है,
पर इसको हम ये नहीं कह सकते ना कि ये लुभाने वाला काम हो गया। लेकिन गुप्ता जी, सेस बढ़ गया है, महंगाई बढ़ेगी अब और बिल जो है वो बढ़ता रहेगा। उससे इतना ज्यादा कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। 1% सेस बिजली के दामों से तो पहले लोग जो है परेशान थे बिजली के जो बिल। 1% सेस इंक्रीज होने से इतना ज्यादा महंगाई पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट को कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना भी है। अब जैसे ये 40,000 की स्लैब के कारण बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं से उसको कवर करके अपनी इकोनॉमी जीडीपी को नेगेटिव जो है उसको तो उन्होंने टारगेट रखा है 3.3 रखना है। अब ये देखिए, तो उसको टारगेट अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो जनरेट करना है। इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना पैसे। तो अगर हम लेके चले कि वो 1% से महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है बहुत अच्छी स्कीम भी है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी स्कीम, बहुत काम करना पड़ेगा। एक साल रह गया चुनाव में जाने वाले 19 मैडम, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ इलेक्शन बजट। अगर उनका ऐसा टेंडेंसी होता कि सिर्फ इलेक्शन एक साल वाली स्कीम देनी है, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जिसको कवर करने में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट एक स्टेप शुरू तो हुआ उस तरफ को। लेकिन चुनौतियां क्या आने वाली है, क्योंकि 50 करोड़ के करीब लोगों को कवर करना पड़ेगा इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। उसका काम पहले ही शुरू हो चुका है, जो हम आधार लिंकिंग का काम शुरू कर रहे हैं वो पहले ही शुरू हो चुका है। अब तो उस डाटा बैंक को यूज करके हमने एक स्कीम को लॉन्च करना है, तो इतना कोई बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है इसके अंदर। चलिए, चुनौती नहीं है ये गुप्ता जी कह रहे हैं, लेकिन दुगल साहब आपको क्या लगता है, हालांकि बजट के बाद ही शेयर बाजार में भी गिरावट अब दर्ज की जा रही है। देखो, वो पैनिक जो एक मार्केट में क्रिएट होता है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि आम जो जनता है वो क्या देखती है कि इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ी, ठीक है ना, या टैक्स का जो रेट है वो कम नहीं हुआ, तो वो जिस हिसाब से देख रहे होते हैं वो उसके बाद क्या है, वो पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग शुरू हो गई मार्केट में। वो एक रीजन हो सकता है जिसके कारण एक बार जो मार्केट है वो डाउन आनी शुरू होती है, क्योंकि जो जिन्होंने स्टॉक्स बाय किए होते हैं वो एकदम पैनिक में बेचने शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जिस टाइम मार्केट डाउन हुई है उसके बाद रिकवर भी किया है, मार्केट रिकवर भी की है काफी, 400-500 पॉइंट डाउन गई थी उसके बाद रिकवर भी कही है। लेकिन साथ ही हाउसिंग फॉर ऑल जो शुरू से एक सपना रहा है मोदी जी का, हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है उसको पूरा करना कि सब हर गरीब के पास जो है 2022 तक एक घर तो हो अपना सपनों का घर, उसको पूरा कैसे होगा, सस्ते मकान कैसे मिलेंगे, उसको लेकर कोई इस यहाँ पर विस्तृत जानकारी जो है वो भी नहीं दी गई। मैडम, उसकी स्कीम उन्होंने अभी 51,000 और नए घर बनाने की, 51,000 करोड़ उसके घर और बनाने की स्कीम निकाली है, प्लस स्वच्छता की तरफ जब उन्होंने ध्यान दिया है, 8 करोड़ के और नए कनेक्शन देंगे उज्ज्वला के अंदर, 3 करोड़ तक के वो दे चुके हैं वो, तो उसके अंदर काफी उनका पूरा प्लान बना हुआ है इसमें। प्लस ये जो स्टेप है हाउसिंग वाला वो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें स्टेप जो है हेल्प किया हुआ है गवर्नमेंट ने पिछले बजट में, तो वो स्कीम तो आगे कंटिन्यू करेंगी ही, उसमें तो कोई इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा उसके अंदर। हाँ, लेकिन इसको अब क्योंकि शुरू से स्कीम्स चल रही है, लेकिन अभी भी उम्मीदें हैं जो 2022 तक अगर बोला है तो तब तक जो है हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी अब तक ये तो उसका इसके बारे में अगर हम बजट की डिटेल्स में जाएंगे, अगर हमने सिर्फ अभी तो ओवरव्यू बजट जो हम सबने देखा है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी कुछ ना कुछ। लेकिन लगता है बजट को देखकर जो एक बात कही जा रही थी 2014 से ही, चुनाव से पहले से बात कही जा रही थी कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी करनी है 2022 तक, तो उस वो सपना पूरा हो पाएगा, उसको पूरा करना है। अभी आपको शुरू में ही ये बताया कि सबसे पहली जो बजट इनका शुरू हुआ उसमें ही ये किसानों के ऊपर एक स्ट्रेस दिया गया कि मेजर बूस्ट ही एग्रीकल्चर सेक्टर 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट उनको दिया जाएगा, तो अब किसानों को कम से कम ये तो श्योरिटी हो गई ना कि भी अगर मेरी कॉस्टिंग अगर किसी चीज में 1,000 रुपए लागत आ रही है तो वहां पे मेरे को 1500 तो मिलने वाला ही है, तो वो लॉस में तो नहीं है ना, तो इट इज अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स दैट। किसानों की जो मांग थी कम से कम उसको पूरा किया गया, एमएसपी बढ़ाने की एक मांग थी कि 1.5 गुना जो है वो किया जाए, वो पूरी की गई है। एक बहुत बड़ा एलोकेशन उन्होंने दिया, 11,00,000 करोड़ का उन्होंने फंड एलोकेट किया है फाइनेंसिंग ऑफ द फाइनेंस फार्म सेक्टर के लिए, वो बहुत बड़ा एक मेजर बूस्ट है। केसीसी की स्कीम इन्होंने इंक्रीज कर दी फिशरीज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, तो उससे और अल्टीमेटली फार्मर्स ये एनिमल हस्बेंड्री इन सबके इनकम तो इंक्रीज होगी ना, तो किसानों की आय जो है वो बढ़ाने की तरफ ये कुछ अच्छे स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, कुछ योजनाएं जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर गवर्नमेंट पोस्टर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हो रहे हैं, रूरल रोड्स बन रही हैं। देखिए, वाईफाई के लिए भी इस बार की गांवों को डिजिटल बनाना है, इसके लिए भी फंड एलोकेट किया गया है। हां बिल्कुल किया गया। अब आप देखो ना, सड़कें जो पहले बन रही थी, अगर सड़कों का हम देखें तो जिस स्पीड से सड़कें हमारी बन रही हैं, और आज उन्होंने बताया भी है, मैंने एक जगह सुना था कि शायद वो एक जो रोड है जो काफी टाइम से
पेंडिंग पड़ी थी वो कंप्लीट हो गई है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हाँ। जब हमारे सड़कें जो गांव को टच करेंगी तो नेचुरली है वहाँ पे ज़्यादा आना जाना होगा, ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी जब सड़कें वहाँ पे जाएंगी, तो वाईफाई तो नेचुरली गाँव। लेकिन इसके अलावा अगर एक चीज़ की और बात करूँ यहाँ पर कि कई इंश्योरेंस कंपनीज को का जो है विलय किया जाएगा, एक ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा ONGC में विनिवेश की बात जो है वो कही गई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैडम उससे जो हमारा ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जो हमारा ऑलरेडी नेशनलाइज कंपनीज हैं इंश्योरेंस कंपनीज 3, उनको मर्ज करके रिसोर्सेज उनके एक जगह पे यूज हो पाएंगे, तो उससे बहुत फायदा होगा देश को। चलिए इससे फायदा होगा, लेकिन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन से कितना फायदा आप देखते हैं, क्योंकि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसमें प्राइवेट कंपनीज को आगे आने के लिए कहा गया है? डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज अगर आगे आएंगी, अभी आज की डेट में हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कितना हो रहा है, हमारे जितनी भी आर्म्स एंड आर्टिलरी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं आइदर फ्रॉम US और अदर कंट्रीज। तो जब जो हमारा मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा द मोमेंट आप जो प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बेनिफिट तो कंट्री को होने ही वाला है। चलिए डिफेंस सेक्टर में रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी अब निजी कंपनियों को आगे आने के लिए कहा गया है, निजी कंपनियों से निवेश के लिए कहा गया है, तो इससे देश को फायदा होगा, कंट्री को फायदा होने वाला है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को बूस्ट जो है इसके साथ ही मिलने वाला है। हालांकि अभी शुरुआती तरीके से जिस तरह से बजट को देखा जा रहा है वो हमने एक व्यू आपको दिया, इसके साथ ही और अपडेट्स जो होंगे बजट से संबंधित वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।